नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। नागौर जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए नागौर तहसील के झाड़ीसरा पटवारी अजीत सिंह को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पटवारी अजीत सिंह झटेरा निवासी ओम प्रकाश से जमीन रूपांतरण के मामले में लगातार रिश्वत की मांग करते हुए काम अटका रहा था। परिवादी ओम प्रकाश ने परेशान होकर नागौर जिला ACB में शिकायत दर्ज कराई। नागौर ACB SP रमेश मोरी ने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्यवाही करते पहले तो शिकायत का सत्यापन किया और उसके बाद रिश्वतखोर पटवारी अजीत सिंह को ट्रैप करने की योजना बनाई। जैसे ही पटवारी अजीत सिंह ने घूस 2000 रुपए लिए, ACB टीम मौके पर पहुंच गई। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कल आरोपी की ACB कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताइए सर, ACB ने क्या कार्रवाई की नागौर? आज ACB ने एक पटवारी को ट्रैप किया 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। परिवादी ने ये शिकायत दी थी यहाँ पर कि पटवारी है झड़ीसरा पटवार मंडल का अजीत सिंह, वो परिवादी की जमीन जो कृषि भूमि उसने खरीदी थी अक्टूबर 2019 में, उसके म्यूटेशन दर्ज कर और उसको KCC लोन के लिए प्रमाणित प्रतिलिपि देने के बदले में कुछ अपना खर्चा पानी 2000 रुपये मांग रहा है। इसका सत्यापन कराने के उपरांत जो है शिकायत सही पाई गई और आज जो है पटवारी को 2000 रुपये परिवादी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पटवारी कौन है सर, कहाँ का तैनात है? पटवारी का नाम अजीत सिंह है और मूल रूप से ये नागौर का ही रहने वाला है, शारदापुरा कॉलोनी में रहता है और पटवार मंडल झाड़ीसरा है इसका। ठीक। नागौर से संवाददाता केशव राम गढ़वाल की रिपोर्ट।